भाइयों और बहनों, करप्शन के साथ साथ कांग्रेस ने देशद्रोहियों और पाकिस्तान को खुश करने का भी अभियान छेड़ रखा है और ये कोर्ट में चार्जशीट आई, बाहें चढ़ा चढ़ा करके सीना तान करके टोने मारते रहते थे, पत्रकारों के बीच जाने की हिम्मत का वादा करते थे। आज मैंने सुना कि पत्रकार उनके पास जाकर के नामदार को हेलीकॉप्टर, कोर्ट में चार्जशीट, उसके लिए सवाल पूछने गए तो ऐसी झापट मार के भाग गए। ये प्रेम का मसीहा जब जमीन पैरों के नीचे खिसक रही है तो पत्रकारों को भी इस प्रकार से धकेल देने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप उनके ढकोसला पत्रों को पढ़ेंगे, अभी तीन दिन पहले ढकोसला पत्र आया है ना, आया है ना, अगर आप उनके ढकोसला पत्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकियों, पत्थरबाजों, विभाजनकारी तत्वों जिसका सामना हमारी सेना कर रही है, अर्धसैनिक बलें कर रहे हैं, उनको जो एक विशेष कानूनी व्यवस्था से रक्षा मिली हुई है, जिसके कारण फौज का जवान वहां खड़ा रह पाता है, देश के लिए हिम्मत से कदम उठा पा रहा है, अब वो कह रहे हैं ढकोसला पत्र में कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी सेना को जो ये रक्षा कवच मिला है उसको वो हटा लेंगे। इनका इनकी ये बातें आपको मंजूर है? कोई सेना का जवान इसको मंजूर रखेगा? अगर सेना के जवान को आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन मां अपने बेटे को देश के लिए मरने के लिए आगे करेगी? क्या होगा देश का? और सिर्फ वोट पाने के लिए ये पाप कर रहे हो आप? अरे लानत है आपकी राजनीति पर। भाइयों बहनों, कोई ऐसा पाप नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जान दांव पर लगाने वाले हमारे सैनिक फर्जी मुकदमों के कुचक्र में फंसे रहे हैं, ये व्यवस्था करना चाहती है, उनका मॉरल टूट जाए, उनका हौसला खत्म हो जाए, कोई भी उन पर आरोप मर सकता है, कोई भी आतंकवादी कोई भी प्रकार की एफआईआर करवा सकता है, बंदूक की नोक पे करवा सकता है, तब देश के जवानों का क्या होगा? पाकिस्तान से पैसा लेकर जो पत्थरबाजों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस खुलेआम कहती है कि हम उनसे बातचीत करेंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या आप में से कोई ऐसे लोगों का मुंह भी देखना पसंद करेगा क्या? अरे बातचीत की तो बात छोड़ो,
कोई उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करेगा। जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, हमारे इस प्राण प्रिय देश को टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वाले लोग, उनकी बात करता है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं, जो तिरंगे झंडे को रौंदते हैं, जो सरकारी दफ्तरों से फाइल चुराने के खेल खेलते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ करके समाज के अंदर विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर सेना के जवानों पर पत्थर मारे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? रेल की पटरी पर से पटरी को निकालने का कोई खेल खेलता है तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हिंदुस्तान की खबरें दुश्मन को देता है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कोई ऐसा सोचेगा कि ऐसे लोगों को माफ किया जाए? ये कांग्रेस पार्टी 60 साल तक जिसने देश में राज किया, वो कहती है खुलेआम कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, अब देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? पूरी ताकत से जवाब दो, दुनिया को पता चले ये देशद्रोह का कानून हटना चाहिए। देशद्रोहियों पर मुकदमे चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? देशद्रोहियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? जबकि आपका ये चौकीदार आतंकियों को घर में घुसकर वार करता है। सेना को खुली छूट देता है, देश के भीतर मौजूद गद्दारों पर हिम्मत के साथ कार्यवाही करता है। आप बताइए साथियों, चौकीदार चलेगा या आतंकियों के आकाओं की पैरवी करने वाले चलेंगे? चौकीदार चलेगा कि आतंकवादियों के मददगार चलेंगे? चौकीदार चलेगा कि आतंकवादियों को बचाने वाले चलेंगे? साथियों, कांग्रेस के ढकोसला पत्र से टुकड़े टुकड़े गैंग खुश है, पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग भी खुश हैं। कुछ लोग यहां ऐसी भाषा बोलते हैं कि पाकिस्तान में लोग तालियां बजाते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में इनके साथी हर रोज कश्मीर को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। वो कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्या इस देश में दो प्रधानमंत्री होंगे क्या? जम्मू कश्मीर के लिए देश के वीर जवानों ने अपना जान दे दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों ने जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अपना पेट काट करके पैसे दिए हैं। उस जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जा रही है कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। और ये कौन लोग हैं?
कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी अगर ये भाषा बोलते हैं और कांग्रेस चुप है, फिर तो सजा कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं हैरान हूं, क्या कांग्रेस अपने इन साथियों की मदद करने के लिए ही ये देशद्रोह का कानून हटाना चाहती है क्या? भाइयों और बहनों, जब तक देश का बच्चा बच्चा चौकीदार बना रहेगा, तब तक भारत की एक इंच जमीन पर भी आंच नहीं आएगी। भाइयों बहनों, मैं शहीद मोहनलाल रातुरी, शहीद वीरेंद्र सिंह राणा, शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट, शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल समेत देश के हर शहीद परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की इस साजिश के सामने ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है।